हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सबका संडे बहुत अच्छा बीत रहा है। फ्रेंड्स, संडे को अगर मैं कोई वीडियो ना बनाऊँ आप सबके लिए तो मुझे बहुत ही अधूरा सा लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना लूँ मेरे डमकेन कलेक्शन के ऊपर। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे कलेक्शंस तो नहीं हैं, 5 वैराइटीज़ हैं, तो वही 5 वैराइटी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं, खूबसूरत सा एक वैरायटी है ये डमकेन का। और इसका पत्ता जो है जब मैच्योर हो जाता है तो छूने में प्लास्टिकी जैसा फील होता है। ये पत्ता जो है बस कल परसों ही खिला था ये, तो अभी भी इसका कलर जो है आप देख सकते हैं इतना डार्क नहीं हुआ है, ये लाइट ग्रीन में है। और इसमें जो ये पैटर्न्स हैं वाइट के जो स्प्लैश है बहुत ही इसको अट्रैक्टिव लुक देता है। और ये बहुत बड़ा प्लांट तो नहीं है, इसको मैंने बस एक या पकड़ लीजिए आप 20 दिन हुए हैं इसको ट्रांसप्लांट किए हुए इस मिट्टी के गमले में। पहले ये एक प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ था। तो इस प्लांट को मैं नर्सरी से 150 रुपीज़ में ख़रीद के लाई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा डमकेन। ये देखिए, ये और एक वैरायटी का है और इसका पत्ता एकदम इसमें कोई पैटर्न्स नहीं है, एकदम प्लेन ग्रीन कलर में है और बीच में सिर्फ ये वाइट लाइनिंग है, आप देख ही पा रहे हैं। जब नया पत्ता खिलता है तो इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट रहता है, जैसे कि हर प्लांट में ऐसा ही होता है। और धीरे धीरे जैसे पत्ता मैच्योर होते जाता है तो इसका जो है कलर डार्क होते जाता है। और इस प्लांट में दो नया छोटा छोटा प्लांट बना है, प्लांट्स बने हैं। देखिए, और ये प्लांट मैं 120 रुपीज़ में लाई थी नर्सरी से। ये है मेरा नेक्स्ट डमकेन। देखिए, इसका जो पत्ते का कलर है वो वाइट और क्रीमिश का कॉम्बिनेशन है। बहुत ज़्यादा जब धूप पड़ती है तो थोड़ा सा इसका कलर वाइटिश हो जाता है। अगर थोड़ा सा शेडी एरिया में रहता है तो ये थोड़ा सा, ये देखिए, क्रीमिश में रहता है। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है ये मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मैंने अपने रिश्तेदार से लिया था एक छोटा सा कटिंग। तो उसी कटिंग को लगा के मैंने ढेरों प्लांट्स बना लिए हैं। मैंने बहुत सारे प्लांट्स जो है वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी किया है। और यहाँ पे मैंने एक साथ दो पॉट रखे हैं, दो पॉट्स। तो आप देख सकते हैं नए नए प्लांट्स भी बन रहे हैं। और इतना इजी टू ग्रो प्लांट्स होते हैं ये डमकेन। छोटा सा एक स्टेम भी आप अगर ऐसे भी ज़मीन पे रख देंगे तो वहाँ से ही नए प्लांट्स बन जाते हैं। ये है अगला वैरायटी, देखिए। इसमें जो है ग्रीन जो है प्रोमिनेंट कलर है और ग्रीन के ऊपर ये स्प्लैश ऑफ वाइट्स है, जैसे कि किसी ने छींटा मार दिया हो ब्रश से और ऐसे छींटे पड़ गए हैं इसमें वाइट के। तो हर वैरायटी की अपनी अपनी खासियत होती है, खूबसूरती होती है। देखिए, इसके साइड से ही एक सेपरेट प्लांट बनने लगा है दोनों तरफ से, देखिए। तो ये वैरायटी भी मैंने ख़रीदा नहीं है, ये भी शायद मैंने किसी फ्रेंड से लाई थी मैं ये अपने फ्रेंड से। फ्रेंड्स, ये लास्ट वाला जो वैरायटी है मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये भी अलग पैटर्न का है। ये प्लांट मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने, सुजाता जी ने मुझे दिया है और मैंने आपसे शेयर भी किया था कि उन्होंने मुझे कौन कौन से प्लांट्स दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप
चेक कर सकते हैं। तो इस प्लांट को लगाए हुए मुझे लगभग 20-25 दिन हो गए हैं, तो अभी ये अच्छे से सेट हो चुका है अपने पॉट में। फ्रेंड्स, मेरे पास कोई अच्छा सा पॉट नहीं था, तो एज़ ऑफ नाउ मैंने इसको सिर्फ एक वेस्ट डब्बे में लगा दिया है, जो रंग का डब्बा आता है पेंट का, तो उसी डब्बे में मैंने फ़िलहाल इसको लगा के रखा है। ये प्लांट अच्छे से इसमें ग्रोथ करने लगे तब मैं इसको एक अच्छे से मिट्टी के गमले में शिफ्ट कर दूँगा। ये जो पत्ता आप देख रहे हैं, ये नया पत्ता खिला है, इसको पॉटिंग करने के बाद ये पत्ता खिला है, तो ये भी बहुत खूबसूरत है। देखिए फ्रेंड्स, डम्प कैन की केयर बहुत ही सिंपल होती है, बस इसको पानी आप कम दे, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें, और बिना पानी के भी अगर इसका मिट्टी जो है सूख जाता है पूरी तरह से, फिर भी ये 2-3 दिन तक ये आराम से चल जाता है, तो इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। और फ्रेंड्स, इसको अगर आप थोड़ी सी ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करेंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ करता है ये। जब से मैंने इस प्लांट को मैंने इस एरिया में जब से रखा है, तब से इसकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। तो फ्रेंड्स, डम केन को आप ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए, क्योंकि बिना केयर के भी बहुत अच्छे से ये चल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, मिलती हूँ अगले वीडियो में।